हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 17 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम एक एक्सट्रैक्ट जो है वो दिया गया है चैप्टर से। आपका चैप्टर क्या है, ए लेटर टू गॉड, वही हमारा कंटिन्यू है। उसी से आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है और उसी एक्सट्रैक्ट से आपको जो है कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बहुत ही आसान से, जो आपको करने हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो यहाँ पे हमने देखा कि स्टोरी क्या थी कि जो लेंचो है वो एक बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर है और ये पूरी स्टोरी जो है मैक्सिकन बैकग्राउंड में लिखी गई है। और जो फार्मर है उसको क्या चाहिए, उसको बारिश चाहिए, तो फसल उसकी पक्के तैयार है, उसको हल्की बारिश चाहिए। लेकिन बारिश आती है और हेल स्टॉर्म के साथ आती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, साथ में हेल स्टॉर्म आते हैं जिससे उसकी पूरी फसल जो है वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। अब उसके पास जो है सारी फसल ख़राब हो गई तो वो बहुत चिंता में है कि अब वो नई फसल कैसे लगाएगा, क्योंकि उसकी फसल ये वाली ख़राब हो गई तो नई कैसे लगेगी, पैसे कहाँ से आएंगे, और वो कैसे जो है अपना, जब तक नई फसल पकती नहीं है तो, और जब तक उसके पास नेक्स्ट फसल के पैसे नहीं आते, वो घर का खर्च जो है वो कैसे चलाएगा। ठीक है, तो फिर वो एक लेटर लिखता है, किसको, गॉड को लेटर लिखता है और गॉड से पैसों की डिमांड करता है। तो यहाँ पे लेंचो का फेथ जो है वो दिखाया गया है कि कितना फेथ करता है लेंचो गॉड के अंदर, जिसके चलते वो गॉड से पैसे मंगवाता है। अब देखिए, गॉड ही रोट, ठीक है, वो लिखता है, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। ठीक है, तो वो लिखता है कि अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली जो है वो भूख से मर जाएंगे। आई नीड 100 पैसोस, तो पैसोस क्या है, यहाँ पे करेंसी है। आई नीड 100 पैसोस, मुझे 100 पैसोस चाहिए इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, मुझे अपने खेत में दोबारा फसल लगाने के लिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक नई फसल नहीं आती है उसको जो है अपने घर का खर्च चलाने के लिए भी मुझे क्या चाहिए, पैसे चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, किसके कारण, हेल स्टॉर्म के कारण जो है। ठीक है, इस तरह से वो लिखता है, ही रोट, वो क्या लिखता है, टू गॉड, यानी एड्रेस के नाम पे वो क्या लिख देता है, वो लिख देता है टू गॉड, यानी गॉड के पास जाना है। अब उसको ये तो पता नहीं है कि गॉड जो है वो कहाँ रहता है, तो वो टू गॉड लिख के और एनवलप के ऊपर और जो है लेटर उसके अंदर डाल देता है। नाउ ऑन द एनवलप एंड पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू डाउन। ठीक है, अभी वो जो है उसने लेटर डाल तो दिया है, वो अभी भी ट्रबल में है, सोच रहा है, और ऐसे कुछ कुछ सोचते हुए वो कहाँ आ जाता है, शहर में आ जाता है, टाउन में आ जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर। अब पोस्ट ऑफिस में वो क्या करता है, लेटर के ऊपर एक स्टैम्प प्लेस करता है एंड ड्रॉप इट इन टू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब वहाँ का जो एक एम्प्लॉई है जो कि क्या है, पोस्टमैन है, और वो जो पोस्ट ऑफिस के काम है उनमें भी करने में भी हेल्प करता था, तो वो अपने बॉस के पास उस लेटर को हंसते हुए, लाफिंग हार्टली यानी जोर जोर से हंसते हुए उसके पास लेकर जाता है और उनको दिखाता है कि देखिए गॉड के लिए लेटर आया है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। तो अपने पूरे पोस्टमैन के कैरियर में उसने ये एड्रेस नहीं देखा था, यानी वो नहीं जानता था कि गॉड कहाँ रहते हैं, अब उस लेटर को कहाँ पोस्ट करना है। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। अब जो पोस्ट मास्टर है, ठीक है, वो अपने बॉस के पास गया, तो जो पोस्ट मास्टर है वहाँ का वो बहुत ही, आप कह सकते हो, फैटी है, थोड़ा मोटा है, एमिएबल फेलो है यानी फ्रेंडली। एमिएबल का मतलब क्या होता है, एमिएबल का मतलब होता है जो काइंड हार्टेड होता है, गुड नेचर्ड होता है। ठीक है, और इसके लिए हम वार्म का भी जो है क्या करते हैं, वार्म वर्ड भी उसके लिए करते हैं। तो एमिएबल का मतलब यानी जो दूसरों की हेल्प करने वाला हो, काइंड हार्टेड हो, गुड नेचर्ड हो, उसको हम एमिएबल कहेंगे। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ज़ोर से हंसने लगता है एकदम से। बट ऑलमोस्ट इमिजिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन जल्दी ही वो क्या हो जाता है, वो सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और जो लेटर है उसको रख देता है डेस्क के ऊपर और कमेंट करता है और कहता है व्हाट अ फेथ। ठीक है, कि कितना फेथ है, कि व्हाट फेथ, कितना विश्वास है, कि लेटर लिखने वाले को गॉड के अंदर कितना विश्वास है कि उसने गॉड से जो है 100 पैसोस मांगे हैं। आई विश आई हैड फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर।
तो वो कहता है कि जो है काश मेरे पास भी ऐसा ही जो है गॉड के लिए फेथ होता जिसने ये लेटर लिखा है उसके जितना ही, स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, ठीक है, कि वो इस तरह से गॉड गॉड के अंदर इतना ही वो क्या करता है, एक तरह से वो गॉड से बातें करता है, गॉड से गॉड के ऊपर इतना फेथ है कि वो उसका अपना उसको अपना फ्रेंड मान के और जो है वो उसको पैसे ही मंगवा रहा है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है, लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड, व्हाट ट्रेट अबाउट दिस हिज कैरेक्टर इज हाईलाइटेड हेयर। तो लेंचो जो गॉड को लेटर लिखता है उसके बारे में क्या यहाँ पे उसकी जो कैरेक्टर है उसको हाईलाइट किया गया है कि वो ऑनेस्ट है, बी दिया गया है हार्ड वर्क है, सी है फेथ इन गॉड एंड डी है लेजीनेस। तो यहाँ पे उसके कौन से कैरेक्टर के बारे में पता चलता है हमें, हमें जिस तरह से उसने लेटर लिखा है उससे हमें उसके फेथ इन गॉड के बारे में पता चलता है, ठीक है, फेथ इन गॉड। सेकेंड देखिए, व्हाट कोट डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द एक्सट्रैक्ट। तो जो एक्सट्रैक्ट हमें दिया गया है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर कोट्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट कोट क्या है, स्टार्ट एवरी डे विद अ न्यू होप, लीव बैड मेमोरीज बिहाइंड एंड हैव फेथ फॉर अ बेटर टुमारो, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या गया है कि हर एक दिन जो है एक नई उम्मीद के साथ स्टार्ट करना चाहिए, जो बुरी यादें हैं लीव बैड मेमोरीज, बुरी यादें हैं उनको पीछे छोड़ देना चाहिए, एंड हैव फेथ फॉर अ बेटर टुमारो, और कल के लिए हमें जो है विश्वास, कल के लिए हमें बेटर, अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारा जो कल है वो क्या होगा, वो हमारा बेटर रहेगा, यानी एक नई सोच के साथ, नई सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें रहना चाहिए। तो यही जो है इसी में फेथ की बात कही गई है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एमेबल इज़ अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द पोस्ट मास्टर इन द एक्सट्रैक्ट अबो। अब हमने ऊपर जो पढ़ा है एक वर्ड पढ़ा है हमने बच्चों, एमिएबल पढ़ा है ना हमने, एमिएबल का मतलब क्या होता है, काइंड हार्टेड होता है, गुड नेचर्ड होता है, फ्रेंडली बिहेवियर होता है। आफ्टर रीडिंग द 3 गिवन मीनिंग्स टिक द मोस्ट एक्यूरेट असर्शन फ्रॉम द ऑप्शन इन द वर्कशीट गिवन बिलो। तो आपको जो है यहाँ पे देखिए एमिएबल के मीनिंग दिए गए हैं, तो जो भी एक्यूरेट हैं वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं, बता देने हैं। तो एमिएबल का मतलब काइंड भी होता है, एमिएबल का मतलब अनफ्रेंडली नहीं होता, फ्रेंडली होता है, और एमिएबल को हम वार्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कौन कौन से ठीक हो गए हमारे, फर्स्ट एंड थर्ड ये हमारे ठीक हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, क्लियर है। तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ही इजी वर्कशीट है बेटा, जिसमें आपने देखा कि लेंचो का कितना ज़्यादा फेथ है गॉड के अंदर, और किस तरह से लेंचो जो है वो जो लेटर है उसको पोस्ट करता है गॉड के पास अपनी हेल्प के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्कशीट में हम देखेंगे कि अब उसकी हेल्प होगी या नहीं होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, टेक केयर।